अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये कितनी खूबसूरत और कितनी ही बड़ी ये लेक है, और इस लेक के किनारे में ये गोरे लोग बैठकर फिशिंग करते हैं, यानी फ़िश पकड़ते हैं और उनको घर नहीं लेके जाते, बल्कि उनको अब पकड़ के बड़े ही प्यार से उनका वज़न वगैरह करते हैं और फिर वापस से उनको जो है ना इस लेक के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए ये इन्होंने फ़िश पकड़ ली है और कितने ही प्यार से ये इसका धागा निकाल रहे हैं मुँह से। ये देखिए बड़े ही प्यार से जो है ना ये इसके पकड़ते हैं। ये देखें, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और ये देखें आप, ये इसको वापस से जेल में डाल दिया इन्होंने और फिर दोबारा से ये अगेन जो है ना उसको पकड़ेंगे और फिर उसको देखेंगे, उसका वज़न करेंगे और फिर वापस से ये इस जेल में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी ही खूबसूरत और कितनी प्यारी ये जगह है और पानी भी इस झील का ग्रीन ग्रीन है और आगे पीछे भी सब तरफ ग्रीन ग्रीन है। तो फ्रेंड्स, ये देखें ये कितनी ही पुरसकून और बड़ी खूबसूरत सी जगह है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। और ये लोग जो अटालिया के होते हैं ये बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को और यहाँ पर बैठ के ये पूरा दिन बस फिश पकड़ेंगे और उसको प्यार करेंगे और वापस से इस झील में डाल देंगे और अपनी लाइफ को फुल इन्जॉय करते हैं ये। तो ये देखें ये इन्होंने मोटर लगाई हुई है पानी के अंदर। ये देखें ये माशाल्लाह कितनी बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत सा ये मंजर है। और ये देखें यहाँ पे बड़े मज़े से ये सब बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं और फिश पकड़ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, और मैं वहाँ उधर आगे चल के आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आगे चल के ना मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर यूनिक सी बात ये है कि ये लोग फ़िश को पकड़ के घर नहीं लेके जाते। अक्सर हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि हम दरिया के किनारे बैठे हुए हुए और फ़िश पकड़ी और घर ले गए और बड़े इन्जॉय किया, लेकिन ये लोग फ़िश को पकड़ते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसका वज़न वगैरह करते हैं और फिर बड़ी खूबसूरत तरीके से उसे वापस से जो है ना झील में डाल देते हैं। ये जो इटालियन के लोग होते हैं ना, ये हर चीज़ की बड़ी केयर करते हैं, इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या कुछ भी हो। तो ये कह रहे हैं कि इस मछली के मुंह में धागा फंस गया है और बड़े ही प्यार और आराम से इसके मुंह से ये धागा निकालेंगे। और ये देखें ये बड़े ही प्यार से इसके मुंह से धागा निकाल रहे हैं, निकल गया धागा और अब इसको वापस से बाय बाय करेंगे और वापस इसको जो है ना झील में डालेंगे। इसका पहले वज़न कर रहे हैं ये देख, और 4.250 है इसका। और ये देखें ये इन्होंने एक और फिश ले आए हैं और अब इसका वज़न करने लगे हैं। कि ये
किली यानी 3 किलो की है और अब इसको वापस से दरिया में डालने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी और पुरसकून सी जगह है। मुझे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और अगर आपको मेरी ये वीडियो देख के आपको भी बहुत मज़ा आया और आपने भी इन्जॉय किया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और प्लीज़ बेल का आल दबाना ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह और नए एहसास के साथ। पारसा को दे इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।